रिलीज हुआ, जयपुर में ही किया हमने और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी फिल्म को भी लोग उतना ही पसंद करेंगे। तो अच्छा लग रहा है, बैक टू बैक फिल्म्स चल रही हैं, टाइगर जिंदा है चल रही है, तो बट आई एम मोर एक्साइटेड नाउ अबाउट ये है इंडिया। गैबी, आपने सलमान को पंच मारे, कैसा अनुभव रहा ये बॉलीवुड में आपका? ये देखिए, बहुत एक मिसपरसेप्शन है ये, ऐसे जैसे अभी आपने बोला कि 25 पंच मारे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने एक हमारा फाइट सीक्वेंस था तो जिसमें मुझे उनको हिट करना था, तो जब मैंने हिट किया तो एक्शन जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि थोड़ा ज़ोर से, तो टू मेक मी कंफर्टेबल सलमान भाई ही टोल के अभी हिट मी, तो मैंने उनको हिट किया, कहते और ज़ोर से और ज़ोर से और ज़ोर से। तो मतलब मेरी एक वो शर्म या कुछ भी आप झिझक लगा लो, उसको खोलने के लिए उन्होंने वो 10-15 पंचेज लिए। तो मैंने ये बोला था कि ही सच अ काइंड पर्सन कि उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे वो सपोर्ट किया, लेकिन उसकी हेडलाइन ये बन गई कि गैबी ने मारे सामान को 25 घूंसे। जाहिर तौर पे ये आपका एक अनुभव रहा बॉलीवुड में, लेकिन आपने जैसे पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, अब आप बॉलीवुड में कर रहे हैं, तो क्या अंतर महसूस करते हैं आप इन दोनों में? अंदर कुछ भी नहीं है, सभी सेम, टेक्निकल टीम सारा कुछ सेम होता है, बस ये है कि पंजाबी फिल्म्स का दायरा थोड़ा सा छोटा है बिकॉज़ और हिंदी फिल्म्स की अगर हम बात करें तो वो पूरे मतलब इंडिया लेवल के ऊपर उसकी ऑडियंस ज़्यादा है, सो बजट का थोड़ा सा फ़र्क होता है। बट कई हिंदी फिल्म्स का बजट से हमारी पंजाबी फिल्म्स का आजकल बजट काफ़ी ज़्यादा 9-9, 10-10 करोड़ तक पहुँच गया है, सो इट्स गुड। कोई मुझे तो कोई अंतर दिखता नहीं। तो अभी हमने आपको रूबरू करवाया था गैवी चहल से, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये है इंडिया मूवी के निर्देशक लोमहर्ष। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मूवी किस प्रकार खास है और कितना वक्त लगा उन्हें बनाने में, उनकी क्या सोच थी ये मूवी बनाने के पीछे। लोम जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि किस प्रकार आपने, क्या आपके दिमाग में ऐसे क्या ख्याल आए कि आपने इस मूवी की रचना की? सर, इंडिया को डिवोटेड है हमारी ये फिल्म, और ख्याल सबसे पहले देश का ही आया था। दुनिया को इतना कुछ देने के बाद में भी हम एक गरीब लाचार देश हैं, तो शायद एक ऐसी पिक्चर की ज़रूरत है जिसे हर भारतीय और हर दुनिया के कोने में रहने वाले हर शख्स को देख के प्राउड हो कि ये वो इंडिया नहीं है जो हम सोचते हैं, ये वो डेवलपिंग इंडिया है, ये सपेरों का देश नहीं है, ये वो इंडिया है जो मून और मार्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचता है। तो इट्स ऑल अबाउट द प्राइड एंड प्राउड ऑफ आवर कंट्री। लोमहर्ष जिन्होंने बताया कि इस पिक्चर के माध्यम से समाज को कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ रुपेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, जयपुर।